हेलो फ्रेंड्स, आज है शनिवार और आज 27 तारीख है और अभी शाम हो चुकी है। चाय वगैरह सब हो चुका है, हमका लोगों ने भेज और यहाँ पर खाने की तैयारी हो रही है। तो ये हमने साफ रखे हैं और इसमें राजमा और काली वाली मसूर जो आती है, मसूर दाल, उसको दोपहर में भिगो दिया था, मतलब 11 बजे करीब भिगो दिया था, तो वो अच्छे से भीग गई थी। और उसके बाद इसमें हम 4 से 5 सीटी लगा कर उबाल लिए हैं कुकर में। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ मसाले लिए हैं, एक प्याज, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, 4-5 लहसुन और 2 टमाटर, और ये 4 हरी मिर्च हैं। तो इसका मसाला तैयार करेंगे और फिर हम बनाएंगे राजमा दाल। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं खाना। तो आज सुबह से कुछ भी नहीं शूट किया था, तो अभी इस टाइम सोचा थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं काम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चावल है, इनको हमने साफ करके रख लिए हैं अलग, इनको धुल के रख देंगे। और यहाँ पर ये मसाला है, इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज, लहसुन, अदरक, ये सब छील के अच्छे से कट करके रख लेंगे, फिर इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सब चीज़ अच्छे से छील लिया है, प्याज, लहसुन, टमाटर वगैरह सब धुल लेंगे अभी, और फिर उसके बाद में कट करके इसकी प्यूरी तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये प्याज टमाटर सब कट करके एक साथ में ही प्यूरी बना लेंगे और फिर उसके बाद में हम तड़का लगाएंगे दाल में। तो यहाँ पर 6-7 काली मिर्च भी डाल दिया है और ये थोड़ा सा जीरा है, इसको भी डाल देंगे थोड़ा सा पानी डालकर, और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे अभी। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, पेस्ट तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए, हमने दाल को उबाला था, तो ये देखिए कितने अच्छे से उबल गई है, बिल्कुल अच्छे से मतलब पक चुकी है। तो अभी बस इसमें तड़का लगाना है। तो यहाँ पे रख दिया है कढ़ाई, तेल डाल दिया है उसमें, तेल जब गर्म हो गया है तो डाल दिया है जीरा, हींग और तेज़पत्ता। जब ये सब तड़क जाएंगे मसाले, तब डाल देंगे इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और फिर डाल देंगे इसमें हम जो हमने पेस्ट बना के रखा है वो पेस्ट डाल देंगे, और फिर उसके बाद अच्छे से हमें पका लेना है, मतलब भून लेना है मसाले को, अच्छे से भूनना है। और जब ये मसाला अच्छे से भून जाएगा तेल छोड़ देकर, तो इसमें डाल देंगे बेसिक से मसाले अपने घर के, तो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और बिल्कुल थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है, क्योंकि हरी मिर्च हमने पेस्ट में ही पीस लिया था। और यहाँ पर ये थोड़ा सा शाही पनीर मसाला है, वो भी डाल दिया है, क्योंकि इसमें मतलब इसका टेस्ट अच्छा आता है, क्रीमी सा टेस्ट आता है। और यहाँ पर डाली है दूध की मलाई। तो यहाँ पर ये देखिए मसाला कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बिल्कुल
शाही मसाला के तरीके, और बना भी बहुत टेस्टी था। तो ये मसाला अच्छे से भून लेंगे, जब इसका मतलब मसाला अच्छे से भून जाएगा, जब तेल छूटने लगेगा तब इसमें हम और भी चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मलाई हमने और ऐड कर दी है, क्योंकि हमें थोड़ी सी कम लग रही थी, तो 2 चम्मच भर के इसमें मलाई हमने और डाली है, और इसको भी अच्छे से मिक्स करके हम भून लेंगे। तो मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे अपनी उबली हुई दाल जो हमने राजमा और काली मसूर उबाल के रखी थी। तो यहाँ पे दाल हमने ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे मसाले के साथ में। तो ये देखिए दाल हमारी अच्छे से पक रही है, जब अच्छे से मतलब पक जाएगी तो फिर इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया। तो यहाँ पर ये देखिए हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है उसी कुकर में डाल के, थोड़ी सी ग्रेवी मतलब पतली रखनी है इसलिए। और इसमें डालेंगे अभी हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक वगैरह डालने के बाद में फिर हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और अब हमारी दाल बनके तैयार है। तो अब हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया कट करके, और ये देखिए देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी थी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो चलिए दाल हमारी बन चुकी है, तो अब इसको हम एक अलग बर्तन में पलट लेंगे। तो दाल को हमने अच्छे से मतलब दूसरे बर्तन में पलट लिया है, और फिर इसको हम अच्छे से गार्निश कर देंगे ऊपर से थोड़ी सी क्रीम और हरे धनिया से। तो ये देखिए हमने दाल के ऊपर थोड़ी सी क्रीम और हरे धनिया से गार्निश कर दी, देखने में कितनी सुंदर लग रही, देखने में ही अच्छी लग रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी थी। यहाँ पर दूसरी तरफ सेम कुकर को हमने अच्छे से साफ़ करके उसमें डाल दिया है तेल, और तेल जब गर्म हो गया है तो उसमें डाल दिया है जीरा और ये तेज़पत्ता, और फिर हम जो चावल हमने निकाल के रखे थे धुल के तो उसको डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे 1 मिनट के लिए चावल को, और फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो ये देखिए चावल हमारे अच्छे से भून चुके हैं, तो इसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक, और डाल देंगे अब पानी। तो यहाँ पे पानी हमने डाल दिया है, और अब ढक्कन लगा देंगे, तो और 2 सीटी आने तक हमें चावल को कुक कर लेना है। 2 सीटी आने तक हम पका लेना, तब तक इधर साइड बाई हम रोटियाँ सेक लेंगे। आटा हमने पहले ही लगा के रख लिया था, तो साइड बाई हम रोटी बना लेंगे अपनी। तो फ्रेंड्स रोटियां हमारी बन चुकी हैं, देखिए फ्रेंड्स सारी रोटियां हमने बना ली हैं, और अभी चावल भी हमारे हो चुके हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स चावल भी हमारे कितने खिले खिले चावल बने हैं अच्छे से। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने चावल भी अलग बर्तन में पलट लिए हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए रात का खाना हमने बना लिया है, जल्दी ही बना लिया है। तो यहाँ पर ये देखिए सैलेड कट किया है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और यहाँ पर ये चावल है, जीरा चावल बनाया है, इसमें रोटी है, और यहाँ पर ये यमी सी दाल है, मखनी दाल,
राजमा और काली मसूर से बनाई है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो खाना बन के फ्रेंड्स खाना बन के तैयार है, लेकिन अभी बाकी काम करने हैं, गैस वगैरह साफ़ करना है, बर्तन धुलने हैं, दिया बत्ती भी करना है। पर आज सोचा था थोड़ा जल्दी बना लेंगे खाना, खाना बना के रख दो तो फिर बच्चे ट्यूशन से आते हैं तो अपना खा भी लेते हैं टाइम से, और हमें भी टाइम मिल जाता है थोड़ा सा शाम को, तो इसलिए खाना बन गया है। चलिए फटाफट से सारा काम निपटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी किचन साफ़ कर लेंगे, मतलब गैस वगैरह सब अच्छे से क्लीन करके, और फिर मतलब बर्तन भी धुलने हैं, तो बर्तन वगैरह सारा सब काम करके फिर उसके बाद में सबके लिए खाना लगाएंगे। तो यहाँ पे मतलब सारा काम हो चुका है, और ये देखिए हमारी रात की थाली, डिनर थाली। तो आप लोग बताइएगा कैसा बना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय, थैंक यू।